हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे टू ऑफ 90 डेज टोटल रीसेट चैलेंज। तो आज हमारी सुबह सुबह से हुई नहीं है, आफ्टरनून से हुई है ऑलरेडी। अराउंड 1 बज चुका है एंड मेरी हालत सुबह से बहुत ख़राब थी एंड बहुत ज़्यादा पेट दर्द हो रहा था बिकॉज आई टोल्ड यू यस्टरडे कि आई एम ऑन माई पीरियड्स। तो आज आए हैं हमारे मिस्टर जीवन सिंह ड्राइवर बनके मेरे पर्सनल शॉफर। तो बस आज थोड़ा सा लेट हो गया दिन, तो मॉर्निंग में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, तो आई हैड टी विद 3-4 हमारे रस्क होते हैं जो वो तो उसके बाद ना मैंने अब तक अपना पानी का इनटेक पूरा किया है, ना ही अपने फ्रूट्स खाए हैं, ना ही कुछ पिया, बिकॉज पेट में बहुत ज़्यादा पेन है। बट अभी जा रही हूँ मैं ऑफिस, तो ऑफिस जाके सब कुछ शुरू करते हैं अपनी दिनचर्या। राइट, तो हम पहुँच गए ऑफिस एंड आई एम एट माई डेस्क एंड ऑलरेडी मैंने अपना पानी एंड फ्रूट्स खोल लिए हैं बिकॉज आई नीड टू ईट देम बिकॉज ऑलरेडी इट्स 2 PM हियर एंड 2 बज चुके हैं, तो आई हैव टू लाइक क्विकली ईट एंड ईट माई लंच एज वेल एंड देन शाम को वर्कआउट आज थोड़ा सा नॉर्मल रखूँगी बिकॉज यू नो लाइक पीरियड्स होते हैं तो इतनी हिम्मत नहीं होती है। लाइक इट्स अप टू यू, लाइक ये नहीं है कि हर कोई सेम नहीं होता, कोई कोई दे डोंट फील लाइक वर्किंग आउट एट ऑल, तो मत करो वर्कआउट एंड बट आई वॉन्ट टू, आई एम फीलिंग ओकेश, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्सर्ट नहीं करने वाली हूँ बट आई विल सी व्हाट आई कैन डू, वो हम शाम को देखेंगे, नॉट नाउ। अरे बस कर भाई, ओ पागल कर दिया, पीछा छोड़ दे। तो आप देख सकते हैं बाकी सब लोग बिरयानी खा रहे हैं पर मैंने अपना लंच किया, अपना चिकन, अपना सब्जी, अपने फ्रूट्स, अपना सैलेड। सो दिस इज़ माई गो टू चॉकलेट फॉर माई पीरियड्स क्रेविंग्स एंड बहुत ही कम शुगर कंटेंट होता है इसमें, तो दैट्स वाई बहुत कम कैलोरीज होती हैं, तो आई प्रेफर दिस वन बिकॉज पीरियड्स में ना कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो आई ऑलवेज प्रेफर दिस चॉकलेट फॉर माई ऑल द पीरियड्स क्रेविंग्स, बट आई कैन लाइक ओनली 1 पीस और मैक्सिमम 2 pieces अ डे, नॉट मोर देन दैट। तो आई एम रेडी फॉर द जिम, कॉफी मैंने प्री वर्कआउट की पी ली है एंड चलो जिम। कोई सेंस है इस बात की? घर तो पहुंच गई हूँ पर टू बी ऑनेस्ट बिकॉज ऑफ पीरियड्स स्टमक पेन इतना नहीं है अभी, स्टमक पेन इज़ फाइन बट बॉडी इतना लेथार्जिक फील कर रही है, बिल्कुल मन नहीं कर रहा वर्कआउट करने जाने का, बट अगेन मन की तो नहीं सुननी है। राइट, तो मन की ना सुनते हुए I'm gonna go to the gym and today I'm gonna do my arms workout, क्योंकि that's something जिसमें आपकी like lower body सबसे least use होती है, तो that's why I'm gonna do arms workout today। तो कल तक I feel a bit normal, तो कल भी हम upper body की करेंगे but some other part and तो Friday Thursday तक मेरी legs will be totally fine to work out with, right? तो हम आ गए जिम, अब इसके बाद start करेंगे with our basics, that is warm ups for our बाइज एंड ट्राइज। तो आज हम आर्म्स वर्कआउट करने वाले हैं, तो हम 3 वर्कआउट्स बाय के करेंगे एंड 2 से 3 वर्कआउट हम ट्राई के करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने वार्म अप सेट से, नॉट सेट्स एक्चुअली लाइक वार्म अप वर्कआउट्स, लाइक सो दैट आपके जो बाइज एंड ट्राई के मसल्स हैं दे गेट रेडी कि हाँ हमें अब वर्कआउट करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे बाइसेप कर्ल से, तो आई एम गोना टेक लाइक 4 kgs के डंबल्स ईच एंड आपको जो भी वेट सूट करता है एंड प्लीज आर्म्स के वर्कआउट जिसको अपनी आर्म्स टोन अप करनी है, दे वांट लाइक दे फील दे हैव अ लॉट ऑफ फैट ऑन आर्म्स, जैसे मेरे बहुत है आर्म पे फैट, मेरे तो हर जगह ही है फैट एनीहाउ।
बट लाइक यू सर वॉन्ट्स टू टोन अप देयर आर्म्स एंड ये सब चीज़ें दे डोंट वॉन्ट इट तो दे कैन डू दीज वर्कआउट्स ठीक है तो आई एम गोना स्टार्ट विद 4 kgs ईच तो हम 3 सेट्स करेंगे लाइट लाइट एंड हैवी तो आई एम गोना डू 4 kgs एंड देन 6 kgs तो हैमर पल्स के हम लोग 3 सेट करेंगे एंड अगेन वी ट्राई 12-15 रेपिटेशंस लाइट वेट है तो 15 रेपिटेशंस अगर हैवी वेट है तो ट्राई एटलीस्ट 12 रेपिटेशंस ओके तो अपना थर्ड हम बाइसेप का एक्चुअली थर्ड एंड लास्ट वर्कआउट करेंगे तो इसमें हम करेंगे अगेन बाइसेप कर्ल्स बट विद ज़िगज़ैग रॉड एंड इसमें हम अगेन 3 सेट्स करेंगे लाइट हैवी हैवी एज इन लाइक इंक्रीजिंग वेट होना चाहिए एंड अंटिल योर थर्ड सेट आपका थर्ड सेट ऐसा होना चाहिए कि हाँ लाइक प्रॉपर जोर आ रहा है आपके बाइसेप्स पे एंड लाइक वो 12 रेप्स आपको लाइक 12 रेप्स करने हैं 15-15-12 बट वो 12 करने मुश्किल हो जाने चाहिए तब भी आपके बाइसेप्स पे जोर आएगा राइट तो मैं अपना हाईएस्ट सेट करने वाली हूँ 5 kgs लाइक 10 kgs एंड देन रॉड का वेट एंड आपको जो भी सेट आता है कोई स्पेशली बैक पे जोर नहीं आना चाहिए और बैक शुड बी स्ट्रेट वाइल डूइंग एनी हैमर कर्ल्स और बाइसेप कर्ल्स और एनीथिंग ठीक है अगर आपकी बैक ऐसे ऐसे हिल रही है इट मीन्स यू आर डूइंग इट रॉन्ग आपका सारा लोअर बैक खराब हो जाएगा इंजरी हो जाएगी तो योर बैक शुड बी स्ट्रेट एंड सिर्फ ये चीज़ मूव होनी चाहिए नॉट योर बैक नॉट लाइक दैट ओके ओके सो स्टार्ट करते हैं अपना तीसरा एंड लास्ट वर्कआउट ऑफ बाइसेप्स एंड देन हम ट्राइसेप्स के वर्कआउट करेंगे करते हैं ट्राइसेप का फर्स्ट वर्कआउट तो ट्राइसेप का फर्स्ट वर्कआउट हम करने वाले हैं दैट विल बी आपका ओवरहेड डंबल आपको खड़े होके करना आप खड़े होके कर सकते हो इफ़ यू वांटेड टू बी सीटेड बैठ के करना है तो ट्राई एटलीस्ट 15 रेपिटेशन हर सेट में अगेन वही हम 3 सेट्स करेंगे तो स्टार्ट करते हैं तो एक्चुअली मैं इस वर्कआउट के 3 सेट्स करने वाली थी तो आपसे जिससे 3 सेट्स होते हैं 3 सेट्स करना बट एज यू नो आई एम लाइक माई पीरियड्स आर गोइंग ऑन तो मुझसे नहीं हो रहा है और लाइक बॉडी बहुत टाइट फील कर रही है तो व्हाट आई एम गोना डू इज़ आई एम गोना डू अ हैवियर सेट विद दिस डंबल सेकंड सेट करी लाइक 2 ही सेट करूँगी सिर्फ 3 बट आप लोग प्लीज़ 3 सेट्स करना मैं 2 कर रही हूँ एंड इसके बाद के ट्राई के वर्कआउट के अगेन मैं 2 सेट्स करने वाली हूँ अगेन आप 3 कर सकते हो तो लेट्स डू तो ये हम ट्राई का लास्ट वर्कआउट करने वाले हैं इसके भी अगेन हम 3 सेट्स करेंगे एंड आई एम गोना डू 2 सेट्स यू नो द रीज़न व्हाई एंड मे बी मैं 3 सेट्स कर दूँ बट आप लोग 3 सेट ज़रूर करना एंड अगेन 15 रेपिटेशंस ईच लास्ट में आप 12 रेपिटेशंस कर सकते हो अगर आप वेट इंक्रीज कर रहे हो और आपका बहुत हैवी वेट जा रहा है तब अदरवाइज अपना 15 रेपिटेशंस पूरी करो ओके
तो आज का हमारा बाय एंड ट्राई का वर्कआउट हो चुका है एंड इसके बाद मैं थोड़ी देर वॉक करने वाली हूँ ट्रेडमिल पे एंड रनिंग का आज कोई स्कोप नहीं है तो आई एम जस्ट गोना वॉक रिलैक्स करूँगी बट वॉक करूँगी आई विल ट्राई अ लिटिल फास्ट बट नॉट वेरी फास्ट बट उससे पहले आई एम गोना डू सम काइंड ऑफ योगा स्टेप्स लाइक विच मेक्स मी रिलैक्स इन माई वर्क इन माई सॉरी इन माई पीरियड डेज तो इफ़ यू वांट टू ट्राई इट यू कैन ऑल्सो गिव इट अ ट्राई बहुत रिलैक्सेशन मिलती है उससे पीरियड्स में एंड कम ऑन लेट्स डू इट एंड आफ्टर दैट दैट्स ऑल फॉर माई टुडेज वर्कआउट एंड इसके बाद डिनर करेंगे प्रोटीन पियेंगे डिनर करेंगे अगेन ग्रीन टी पियेंगे एंड डन फॉर द डे बट येस आई हैव टू I do have to pack my lunch and breakfast for tomorrow because सुबह मेरे पास time बिल्कुल नहीं होता तो I always prepare everything in the evening. सुबह सिर्फ उठ के फटाफट भाग के office पहुँचना होता है nothing else than that. तो चलो करते हैं घर एंड आई एम टेकिंग माई प्रोटीन वन स्कूप अगेन वही माई प्रोटीन का चॉकलेट पीनट बटर बिकॉज आई लव इट एंड ऑल्सो इट सेटिस्फाइज माई पीरियड्स की जो चॉकलेट एंड पीनट बटर की क्रेविंग्स होती हैं तो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म कर रही हूँ मैं बिकॉज हालत नहीं हो रही है कुछ भी करने की तो आई एम गोना जस्ट पैक माई लंच फॉर टमोरो prepare my breakfast, have my dinner and I'm gonna sleep because I'm tired as hell because of the periods. तो कल मिलते हैं अगले vlog में तो see you soon everyone. तो अगर आपको challenge अच्छा लग रहा है and it's helping you because I'm showing you all the things that I do in my day तो please subscribe कर लो channel को and click the like button if you like the videos. Okay, see you.